दोस्तों नमस्कार, मैं परमात मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। तो आज मैं आपको फार्मिंग से हट के केवल एक नए विषय पर बात करने वाला हूं, जो मैंने आपको पिछले कई बार बताया कि मेरे पास और भी कई काम हैं एग्रीकल्चर के अलावा। तो मैं खेती करता हूं, खेती के साथ साथ पार्ट टाइम और भी काम करता हूं। तो एक जो आजकल चलन चली है मार्केट में है ऑनलाइन बिजनेस, तो मैं एक ऑनलाइन मार्केट भी करता हूं और खासा अच्छा काम है इसमें मेरा। और ये मैंने कहां से जाना, कैसे जाना, तो इसके लिए आज मेरे सामने हैं ज्ञान स्वरूप सागर जी, जो मेरे बहुत खास मित्र भी हैं, या जी कह लीजिए हम दोनों का भाई जैसा रिश्ता है। और हम एक दूसरे के गुरु चेला हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में मैं इनको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, कुछ क्षेत्रों में ये मुझे सिखाते हैं, इस तरह का हमारा संबंध है। तो इस समय ये बिजनेस में अच्छे खिलाड़ी हैं, उसके अच्छे माहिर हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। और इस ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन मार्केट का जो भी काम है, बहुत ज़्यादातर आधे से ज़्यादा आधे काम मेरा जो मेरे आगे पीछे का है वो यही देखते हैं। और मेरा काम होता है कि मैं जो मेरा टीम वर्क काम है, तो मेरा काम है मैं अपनी टीम को केवल ट्रेंड करता हूँ लोगों को। बाकी ऑफिशियल वर्क है भैया देखते हैं, और बहुत बड़ी टीम है इनके पास, मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा इस काम में, ये मुझसे ज़्यादा सीनियर है। मैं इनका जूनियर हूँ, कुछ कामों में मैं सीनियर हूँ और कुछ कामों में भैया सीनियर हूँ। तो चलिए मैं आपकी बात करवाता हूँ, क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है और कैसे इनके हालात थे, आज ये कहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का लेवल है इनका। तो अगर जैसे आप खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या खेती में मन नहीं लग रहा है, तो एक साइड में काम करना चाहते हैं, जैसे आपको पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए, तो ये एक ऐसा काम है जो बहुत कम से कम पैसे में आसान से, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं या नहीं भी हैं तब भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपका नॉलेज है, आप चलते फिरते हैं, तो चलते फिरते या घर बैठे मोबाइल से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है तो उसकी बात नहीं करूँगा, पर मैं मिनिमम कह सकता हूँ कि आप घर बैठे 1,000 रुपये से लेकर 2,000, 3,000, 4,000 रुपये तक पर डे की इनकम आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1, 2, 3, 4 महीने अगर थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं और थोड़ा पूरा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये पूरी बातें एक वीडियो में ना हो, तो उसके बाद दूसरा वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ इसी समय इसी जगह, कुछ बातें उसमें हो जाएंगी कुछ इसमें। तो ये पहला भाग इसको देखिए पूरा, और दूसरे को देखिए, और अगर कुछ समझ में आता है तो मैं सीधा कॉन्टेक्ट नंबर भैया का देने वाला हूँ, तो आप इनसे संपर्क करेंगे, ढेर सारी जानकारियाँ ये देंगे। कोई बात अगर समझ में नहीं आती, मुझसे भी जानना है, तो मैं भी इन्हीं के संपर्क में रहता हूँ, तो मुझसे भी आपका संपर्क हो जाएगा फिलहाल, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो से आ रहे हैं तो चर्चा केवल इसी विषय पर होगी। तो जी आप ज्ञान स्वरूप सागर भैया जी, नमस्कार जी। नमस्कार, और आप अपना परिचय दीजिए पहले तो लोगों को जी। पूरी मैं मतलब आप समझिए सेक्टर में जो भी लोग देख रहे हैं, ज्यादातर किसान हैं जी, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, और ऐसा कह लीजिए कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग भी हैं और किसान हैं, तो कम पढ़े लिखे हैं, गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, किसान बड़ा सुंदर सीधा साधा जी, और सच्चा आदमी होता है जी। जैसा मेरा अपना अनुभव है, मैंने एग्रीकल्चर जब से काम किया था, इसको देखना था, पढ़ना था, प्रकृति से मुझे जुड़ना था, तो मैंने देखा कि दुनिया में अगर कोई साफ सुथरा आदमी होता है, सच्चा आदमी होता है, तो वो एग्रीकल्चर से जुड़ा आदमी होता है। बाकी पूरी दुनिया राई का पहाड़ कैसे बनाती है, वो आप इस बिजनेस को करके या अन्य काम करके आप जान रहे हैं जी। तो उसी तरह से ये सीधे सच्चे लोग हैं, और इनसे आपको अपना बिजनेस शेयर करना है, तो कैसे करेंगे, परिचय बताइए और थोड़ा सा जानकारी दीजिए जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जी एस सागर है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट झांसी से बिलोंग करता हूँ। और हमारे परमात्मा जी बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत अच्छा इनका वर्क चलता है, और ऐसा कह लीजिए कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में सर का बहुत अच्छा काम ना चल रहा हो। और अगर देखो आप, तो अगर सर के माध्यम से अगर हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इनके अदर अदर जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर हम अर्निंग के सोर्स में अगर काम करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा स्पेस
और बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छा मोटिवेशनल, और हमें कैसे काम करना चाहिए ये सब हमारे भैया बहुत अच्छे तरीके से हमको गाइड करते हैं। चलिए धन्यवाद इसके लिए आपको। जी जी थैंक यू थैंक यू। कुछ लाभ मिला आपको? मैं मतलब हमारी आपकी चर्चा से कई बार ऐसे होती रहती है। जी जी। तो इससे आपको कुछ फर्क आता है? इसमें कहने की बात नहीं है, क्योंकि आपका बात एक एक चीज हमारे लिए इतनी हेल्पफुल हुई कि हमारे पिछले लाइफ में जो हमने काम किया है और आज के समय में जो हमारा लाइफ स्टाइल है बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है उसमें, क्योंकि आपके द्वारा आपके गाइडेंस से ही हम अपने काम को बेहतर से बेहतर कर पाए। और आज पैसे के लिए तो हमें अब काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी हमारी टीम हमारे लिए इतना काम करती है कि अब हमें अब पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब तो केवल हम अपने लोगों की हेल्प करते हैं और आपके गाइडेंस की वजह से बहुत अच्छा काम चल रहा है। बस इसी प्रकार से आप हमें गाइडेंस करते रहिए, इस बात की खुशी है। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई एक व्यक्ति अपने मुंह से ये कह दे कि आज हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। मतलब मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, अन्न और भी काम है मेरे पास, तो मैं मेरा हार्ड वर्क होता है। और जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे भी काम करता हूँ, पर ये हकीकत है कि ये मैं जब भी इनसे बात करता हूँ, और मेरा स्वभाव है कि अगर मैं किसी से फ़ोन से बात करता हूँ तो पहले पूछता हूँ फ्री हो या व्यस्त हो। उसका कारण होता है कि मैं 99% व्यस्त होता हूँ, कम से कम लोगों के फ़ोन अटेंड कर पाता हूँ, कम से कम लोगों को समय दे पाता हूँ। पर इनका अगर मैंने फ़ोन लगाया और 100 बार लगाया तो 100 बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा भैया थोड़ा टाइम है क्या, हाँ फ्री है, बस आप बताइए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और पैसा कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, एक गजब की सिचुएशन है। ऐसा नहीं है मैं नहीं कमाता हूँ, मैं भी कमाता हूँ, पर इनका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। चूंकि मेरा काम होता है खोज का, तो मेरा नशा पैसे के लिए नहीं, मेरी पूरी फोकस खोज के लिए होती है। मैं ये ऑनलाइन जो काम कर रहा हूँ ये भी मैं पैसे के लिए नहीं, खोज के लिए कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है। एग्रीकल्चर कर रहा हूँ ये भी मेरा नशा है खोज का, तो बस मुझे खोज करने में मजा आता है पर पैसा आ रहा है। तो आपको पैसा चाहिए तो कैसे चाहिए, कहाँ से, ये कहाँ पहुंचे, थोड़ा भैया बताएंगे कि इस काम को करने के पहले क्या हालात थे आपके? जी बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं पिछले जो काम करता था तो मुश्किल से मेरे खर्चे बड़े मुश्किल से चल पाते थे। और एक मतलब जब काम नहीं करते हैं या किसी प्रकार का हमारा अर्निंग का सोर्स नहीं रहता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज के समय में पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो ये मैंने जाना पिछले समय में, और आज मैंने जब उस काम को किया अपने इनके गाइडेंस के द्वारा मैंने इस काम को बढ़ाया आगे और आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया हूं। तो आज मैं समझता हूं कि आज जो हमें उस समय पर पहुंचते नहीं थे जी, और उस समय पर जो हमारी मतलब मिलने जुलने के लिए समय नहीं देते थे, आज वो हमारे पीछे पीछे आते हैं। हाँ मतलब लोग हंसी उड़ाते थे या लोगों के पास टाइम नहीं होता था, समय नहीं होता था, लोग हमें ज्यादातर इग्नोर करते हैं जी। जब आदमी की परिस्थितियां खराब होती हैं तो घर परिवार माँ बाप मम्मी पापा सबको ऐसा लगता है कि यार ये खास है, दिन भर बैठा रहता है, पढ़ा रहता है, कुछ करता नहीं है जी जी। और मुसीबत है, ये बोझ है जी, मतलब आदमी हमें बोझ महसूस करता है जी, कुछ इस तरह की हालत जी। तो आज के समय में कम से कम यहाँ से 70-80 हजार के समथिंग पर डे वो पर महीने का यहाँ से अर्निंग हो जाती है, और अभी शुरुआत है जी। अभी ज्यादा बड़ी बात मतलब 70-80 हजार रुपया पर महीने हर महीने आपको आ जाता है जी, आराम से आराम से। और ये लगभग कितना दिन हुआ आपको काम करते हुए? मुझे अभी 8 महीना हुआ है। 8 महीने जी। वो 8 महीने पहले क्या मतलब कंडीशन वो थी जो अभी आपने बताई जी, और आज कंडीशन क्या है आपकी? आज कंडीशन तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। तो क्या 8 महीने पहले आपने कभी सोचा था कि आज आपकी कंडीशन ये होगी, आप इस हालात में भी कभी अपने जीवन जी पाएंगे? कभी नहीं सोचते थे। जैसे घर में आपकी पत्नी है, आपके 4-5 बच्चे हैं जी, तो पहले का जो उनका रवैया आपके प्रति था, मतलब स्पष्ट बात है मेरे चैनल पर हमेशा साफ बात होती है, तो उनका जो रवैया था आपके प्रति, माँ बाप पत्नी का जो व्यक्तिगत होते हैं, जो हमारी लाइफ होती है, वो मतलब 8 महीने पहले का और अब में कितना अंतर है? अब बहुत ही अंतर, बहुत अंतर है, क्योंकि अब सब वो सम्मान और वो हमारा एक सिचुएशन होता है जी, और एक ऐसा रिलेशन होता है कि जब पैसा होता है तो सब कोई पूछता है जी, और जब पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता। मतलब पत्नी पत्नी हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप माँ बाप हो जाते हैं जी जी। और जब आदमी के पास पैसा नहीं होता, परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती,
तो क्या होता है, तब क्या होता है, इग्नोर करते हैं तो पत्नी नागन होती है ना जी, ऐसा ही माँ बाप कसाई होते हैं और समाज सबसे बड़ा दुश्मन होता है जी, हकीकत है, मतलब उस आदमी के लिए उसको जीना मुश्किल होता है जी, उसको कोई नहीं समझता। आदमी काम करने की, ऐसा नहीं है कि जिसकी परिस्थितियां खराब होती है यार वो बेकार होता है, वो काम करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो चीजें इग्नोर होती हैं जी। पर जब हम काम करते हैं फिर कैसा होता है, फिर ऐसा होता है कि सभी फिर उस हिसाब से उसकी वैल्यू बनाते हैं और उस हिसाब से उसके सम्मान देते हैं कि हर जगह हर जगह सम्मान किया जाता है, काम होता है, मतलब पत्नी पत्नी होती है, हर रिलेशनशिप सब कुछ ठीक होता है। रिलेशनशिप पैसे का है, अगर पैसा है अपने पास तो सब का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, वो अगर नहीं है और पैसा नहीं है तो रिलेशन क्या, हमारा खुद का मित्र, हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का पिता भी हमसे अलग हो जाएगा, वो सब लोग हीन भावना कर देंगे, इग्नोर या हीन भावना से देखेंगे जी, है ना जी। या सब लोग मदद की उम्मीद करेंगे सब, या ज्यादातर लोग खास हैं तो उनको दया आएगी, भैया यार ज्ञान स्वरूप के पास कुछ नहीं, थोड़ी सी यार मदद कर दो जी। वो भी एक व्यक्ति के लिए विशेष तनाव होता है जब कोई हमारी, मतलब हमारे ऊपर दया करता है जी, है ना। हेल्प एक अलग चीज होती है पर दया एक अलग चीज होती है। दया की बात, जैसे भिखारी आया यार एक काम करो थोड़ा सा दो रोटी रख के इसको दे दो, क्या महसूस करता होगा बेचारा जी, जी है ना जी। तो जब नहीं होता है तब ऐसी स्थिति होती है भाई साहब, जब होता है तो स्थिति वो होती है कि दुनिया दुनिया हो जाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फील्डें दी हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं काम की चर्चा, मतलब वो कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस है जिसके करने से आपकी लाइफ चेंज हुई है, क्या उसका नाम है, क्या उसका तरीका है, उस पर बात करते, उसको बताइए आप लोग। तो मैंने अभी 8 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये मुझे सर के द्वारा बताया गया और उसमें हमें पूरी तरह से कि ये बिजनेस हमें कुछ नहीं करना है, जो हम अपना काम करते हैं उसी काम में हमें केवल इस बिजनेस के थ्रू अपना काम प्रोसेस करना है और उसी के द्वारा हमारा बहुत अच्छा अर्निंग होता है। और हमारे सबसे पहले तो हम देखिए राशन अपना सुबह से शाम तक अपना यूज करते हैं और वही राशन हमें अगर उसमें अगर हमने 1000 का राशन लिया है और वही हमें अगर 800 का मिल जाए जी तो कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा। मतलब वही राशन से आपका क्या मतलब है, मार्केट में अरहर की दाल, मूंग की दाल जी जी, ये वाला राशन, हाँ A to Z जो भी मार्केट का है। अच्छा। जैसे राशन है, राशन जूता कपड़ा साबुन शैम्पू निरमा जी, अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह, मतलब ये सारी चीज। हाँ, और इसमें समझने वाली बात ये है कि ये नहीं है कि कंपनी की खुद की है, आपको क्या चाहिए, पतंजलि के चाहिए, अच्छा आपको क्या चाहिए, आपको यूनिलीवर का चाहिए, आपको लाइफ बॉय चाहिए, मतलब आपकी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बनाती, आप हमारा कुछ नहीं है, मतलब जो मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है जो एक्चुअली आप पहले से यूज करते हैं जी जी, है ना, जैसे लक्स यूज करते हैं, सेंथोल यूज करते हैं जी, टाटा की चाय यूज करते हैं, पतंजलि का मंजन यूज करते हैं जी जी, तो आपकी कंपनी इन्हीं सामानों को सस्ते में बेच रही है। हाँ, कम में कितने कम में बेच रही है, जैसे शाम हमें लाभ बॉय 10 रुपए का मिलता है, घड़ी 10 रुपए का मिलता है, रिंग 10 रुपए का मिलता है, तो ये हमको 10 रुपए का अगर मार्केट में मिलता है तो ये हमें 9 रुपए के यहाँ से मिलेगा। अच्छा, एक साहब मतलब 1 रुपए की छूट हमें 10%, हाँ 10% मिल जाएगी मिनिमम, कम से कम आपका, जैसे हमारा कंपनी का टैगलाइन है कि आपको 5% से लेकर 35% तक जी आपके प्रोडक्ट पर आपकी छूट मिल सकती है आपको। और इसके अलावा आपने जब रिपर्चेज किया, रिपर्चेज के बाद आपका जो पैसा बना उस SI पॉइंट का भी आपको इनकम भी अलग से आनी है, 18 लेवल का इनकम आना है आपके लिए, तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि हम ऑलरेडी एक आमदनी रिपर्चेज की। हाँ, जैसे मान लीजिए हम एक साल में हमने 10,000 का सामान खरीदा मोटा मोटा जी जी, साल में हम 10 का खरीदते हैं जी, तो 10,000 रुपए का मतलब 10% 1,000 रुपए हमारे इसमें बच जाएगा जी, उसके बाद जो रिपर्चेज इनकम हुई आपकी, उसके बाद आप कौन सी बात बताइए आपने, दूसरी कोई इनकम होती है, मतलब यही जो हमने सामान लिया जी 5,000 का लिया मान लिया 1 महीना में, तो 5,000 के में हमें सेल्स इंसेंटिव यानी हमने बेचे के द्वारा जो हमने कमाई करी है, कंपनी ने कमाई करी है, वो भी हमें कंपनी इंसेंटिव के रूप में देती है, बांटती है। अच्छा, और मतलब ये सामान खरीदने के बाद जैसे मान लीजिए 5,000 का घर आया तो 10% तो हमें पहले ही मिल गया जी, मौका मिलेगा जी,
उसके बाद 5,000 का सामान जो हमने खरीदा उससे जो कंपनी को आमदनी हुई, हाँ, हाँ, उस आमदनी से फिर हमें पैसा मिले जी, उसमें से हमारा मतलब शेयर होगा उसमें जी कंपनी में कुछ न कुछ, हाँ जी, और बड़ी बात है जी। तो इसी तरह से इसमें अर्निंग करी जा सकती है। और आपने अगर कोई अपना जैसे, और इसमें एक सिस्टम से और होती है जी, हमारे जो न्यू मेंबर हम यहाँ से कंपनी में लाते हैं तो उसका भी हमारे कुछ कंपनी इंसेंटिव के रूप में देती है। मतलब जैसे हम, जैसे मान लीजिए हम आपसे जुड़ गए जी, हमने आपसे एक डिस्काउंट कार्ड बनवाना है हमें। हमने एक डिस्काउंट कार्ड बनवाया जी। अब उस डिस्काउंट कार्ड को अगर हम किसी दूसरे का बनवा देते हैं, किसी को बताते हैं कि आप ऐसा बनवा सकते हैं, तो आपको 200 रुपए मिलेगा उसका। अच्छा, पर लाइसेंस पे, ऐसा कर लो हम परमिट बनवा रहे हैं किसी का, तो अगर हमने उसका बनवा दिया इसी कंपनी के थ्रू, तो हमें पर व्यक्ति 200 रुपए मिलेगा जी। ये एक इनकम जी। तो ये होगा हमारा मेंबरशिप का जी, और ये होगा आपका रिपर्चेज का जी। रिपर्चेज का हमने बता दिया, अलग हो गया एक जी मेंबरशिप का, हाँ रिपर्चेज का। और 18 लेवल का है आपका, 18 लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो उस पे 18 लेवल पर हमारी टीम साइज होता है, हो जाती है 5,24,288 की। 18 लेवल का मतलब, आपका लेवल का मतलब क्या कि जैसे मैंने एक मेंबर बनाया, फिर उसने दूसरा बनाया, उसने तीसरा बनाया, हाँ इस तरह से 18 आदमी जैसे मैंने आपको बनाया, आपने अपने नीचे वाले को बनाया, उसने उसको बनाया, तो फर्स्ट लेवल पे है 18 तक कमीशन हमें मिलेगा, मिलता रहे मिलेगा। और इसमें कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि कई कई जगह हमने ऐसा देखा है कि नहीं इसको मैच होना चाहिए तब ही आपको इनकम, तो इसमें मैच की कोई जरूरत नहीं। जो भी रिपर्चेज, क्योंकि सामान आपका सुबह से शाम तक आपको लगने ही लगना है, हर व्यक्ति की जरूरत है और वही ब्रांडेड सामान जी, तो आप ले रहे हैं, आपकी मजबूरी है। तो यही अगर कॉन्सेप्ट हम अपने लोगों को बताते हैं, अपने जो आसपास लोगों को बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो हमारे लोग अगर हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000 और 1,00,000 लोग आ जाते हैं, 5,00,000 लोग आ जाते हैं, तो यहाँ से हमें कम से कम मिनिमम बात बता रहे हैं हम आपको 7,00,000 रुपए पर महीने का यहाँ से अर्निंग का सोर्स। वो जब आपका धीरे 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 नेटवर्क बढ़ जाएगा जी, मतलब जैसे हमने 2-4 लोगों को का लाइसेंस बनवाया, 2-4 लोगों को उनने बताया, उनने उनको बताया जी, तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ता रहेगा और जैसे बढ़ता रहेगा हमारी आय बढ़ती रहेगी बढ़ते क्रम में। तो ये एक तरीका हो गया जी। दूसरा तरीका आपने बताया था कि वो जो आदमी हम बनाते हैं जैसे उस पर 200 रुपए मिलता है, तो वो कहाँ तक मिलता है? वो अनलिमिटेड डेप्थ से मिलता है, नीचे से, जैसे हमने आपको बनाया जी, और अब हमने किसी को नहीं बनाया जी, किसी को कार्ड नहीं बनवाए हैं, लेकिन आपने 4 आदमी के बनवाए जी, तो आपने बनवाए हैं, आपको तो उसकी इनकम मिलेगी जी, लेकिन 4 आदमी की, क्योंकि हमारे डाउन में काम हुआ है तो हमें भी उसकी इंसेंटिव मिलेगा, उसका अर्निंग हमें भी होगा। अच्छा, अगर वो 4 आदमी और आगे काम करते हैं तो उसका भी हमको मिलेगा, हाँ, और आपको मिलेगा 400, तो हमें अगर नीचे 8 ID हुई है तो हमें 800 मिलेगा। अच्छा, बढ़ते क्रम में होगा, ऐसा कह लीजिए कि 100 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से लगभग, मोटा मोटा, हाँ पर मैचिंग के हिसाब से, क्योंकि बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है हमारा, लेफ्ट राइट में मैच। अच्छा, और जो हमारे रिपर्चेज कॉन्सेप्ट इसमें है कंपनी में, तो इसमें मैच की कोई जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं हम जी, और अनलिमिटेड यहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं जी। तो इसको यहाँ रोकते हैं अभी जी, और दूसरे वीडियो में मुझे लगता है कि ये काफी जानकारी है, बड़ी है और भरी है, तो आप इसको थोड़ा सा बोर्ड पे प्लान करके इसे बता सकते हैं जी, हाँ बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में वोट लाते हैं, बताते हैं, अभी तक आपने कंपनी का नाम बताया कि आपकी कंपनी कौन सी है, आई कहाँ से है, करेगी क्या, रहेगी कितने दिन जी। तो पहले लोगों को आप ये बताइए, लोग सोच रहे होंगे यार 1 घंटे से बकवास किए जा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं पैसा आएगा कहाँ से, कंपनी कौन सी है आपकी, दुनिया में 1,000 कंपनियां हैं, तो कंपनी का परिचय दीजिए, उसका नाम बताइए, उसको सिस्टम बताइए, लोगों की थोड़ा बहुत अर्निंग बताइए। अगले वीडियो में मैं यहाँ पे वोट रख के, अभी मेरे पास वोट पड़ा है, मैं किसानों को वोट पर भी ट्रेनिंग करता हूँ, अभी आपने शायद मेरे वीडियो देखे हो, तो उसी किसान वाले वोट पे आप थोड़ा सा इसको अच्छे से बताएंगे अगले वीडियो में, फिलहाल इसमें कंपनी का परिचय अच्छे से दीजिए जी। तो हम जो बात कर रहे थे वो कंपनी है अपनी हाईरेज ऑनलाइन शॉपिंग, हाईरेज केरला बेस्ड कंपनी है, और कंपनी स्टार्ट हुई है सितंबर 2016 से, और कंपनी के MD हैं मिस्टर KD प्रथापन, और इसके को फाउंडर हैं मिसेज सीना प्रथापन। और कंपनी की लीगलिटी की बात करें,
तो कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं और कंटिन्यू बहुत तेजी से आज इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और केरला में बहुत तेजी से काम कर रही है। और इसने अभी तक 1,44,000 के ऊपर का कस्टमर यहाँ से बनाया है जी। यहाँ से मतलब यूपी से, मतलब पूरे इंडिया भर में, पूरे इंडिया भर में 1,44,000। वही मैं कह रहा हूँ, आपने 1,00,000 कहा तो थोड़ा सा मुझे शॉक लगा कि आप वादी का उड़ा दिया आपने। नहीं, एक करोड़ चवालीस लाख। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर फील्ड के व्यक्ति हैं जी, इसमें हर फील्ड के व्यक्ति हैं। बहुत तेजी से इतनी कंपनी ग्रोथ कर रही है। हर फील्ड से मतलब आपका किसान, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा, फालतू बैठे लोग, चलने फिरने वाले लोग, स्टूडेंट और यहाँ महिलाएं, लेडीज, लड़कियां, सब कोई भी एक्सवाइजेड काम कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है और जो इसका प्लानिंग है बहुत अच्छा है जी, इस वजह से बहुत तेजी से फास्टिंग काम हो रहा है। आप इंटरनेट पर, गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं हाईरिज किस तरह से बहुत तेजी से। हाँ, मतलब अगर किसी को जानना है कंपनी के बारे में जी, तो अगर वो कंपनी में मतलब गूगल पे अगर हाईरिज सर्च करेंगे तो पूरी कंपनी आ जाएगी, उसका बायोडाटा आ जाएगा जी, घर बैठे वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं जी। और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो फिर हमारा नंबर ले सकते हैं आप। अच्छा। और अपना ज्वाइनिंग करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी हेल्प के लिए पूरी तरह से हेल्प होगी। तो फिर आप अपना नंबर दीजिए मेरे लोगों को जी, ताकि वो सीधे आपसे संपर्क कर सके, बात कर सके, जानकारी कर सके जी। तो मेरा नंबर है 7607777 7607 7 4 7 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
207 77 37 74 जी, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैं लिख दूंगा जी, तो आप सीधे सागर जी से बात करेंगे, और आप सागर कह सकते हैं, इनको जीएस सागर भी कह सकते हैं, और जितनी जानकारी है वो आपको दे देंगे। अगर आपको इसमें काम करना हो तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि विश्वसनीय व्यक्ति हैं, भरोसा मेरा है, पैसा वैसा कहीं खपता नहीं है, बहुत हल्के में काम होता है। और लोगों को अगर शुरुआत करनी है तो आपने तो ये भी नहीं बताई वो परमिट कितने पैसे से बन जाएगा इनका, ज्यादा बड़ा इसमें अमाउंट नहीं लगता है, 800 रुपए, 800 रुपए पहली बार आपको 800 रुपए देना है। हाँ, और लाइफ टाइम के लिए तो वो 800 रुपए उनका चला जाएगा हमेशा के लिए, नहीं उसमें मिलेगा, उसमें प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, 800 रुपए आप देंगे तो 800 रुपए का कुछ ना कुछ आपको कंपनी प्रोडक्ट भेज देगी, भेज देगी जी, घर पे बाई कोरियर, बाई कोरियर, और आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आप मार्केट जाएंगे, अगर हाई रिस्क की शॉप ही है, हाई रिस्क का कहीं आपके पास मार्केट है जी, तो वहाँ से आप ऑलरेडी 600 से ज्यादा जी शॉपी हाई रिस्क की ओपन हो चुके हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में जी, और अभी यूपी में देख लीजिए 40 से ऊपर की शॉपी ओपन हो चुकी है, मतलब यूपी में अभी इसने एंट्री मारी है। हाँ, तो स्टार्टअप है जी, तो जैसे यहाँ यूपी में झांसी में है इसकी शॉपी जी, है राठ में नहीं है, उरई में नहीं है जी, जी राठ में खुलने वाली है जी, राठ में ऑफिस की तैयारी चल रही है जी, उरई में भी बन रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। कोई आदमी जैसे अदर स्टेट का भी, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, ये 7-8 देशों में तो ये चैनल चल रहा है मेरा, और जो मेरे किसान हैं तो ऐसा मतलब देश का कोई जगह नहीं है, कोई मतलब प्रदेश नहीं है जहाँ का व्यक्ति ना हो जी, तो अगर वो भी करना चाहें तो मतलब बाहर है से, राजस्थान के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, तो वो आपसे संपर्क करेंगे, वो कैसे ज्वाइन करेंगे? उसके लिए बस यही है कि ऑनलाइन अपन जैसे फोन पे गूगल पे के माध्यम से अपना पेमेंट सेंड कर सकते हैं, मतलब आप उन्हें आप तक आने की, आपको उन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। हाँ, इसके पहले आपने कभी ऐसा किया है, किसी को ज्वाइन किया है? हाँ, बहुत, मुझे मेरी कम से कम अभी 10,000 के ऊपर की टीम है। अच्छा, और देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ से कम 7,000 के ऊपर ऑलरेडी और इंटरनेट के माध्यम से ही हमारी टीम बनी है। अच्छा, 7,000 लोग इंटरनेट से ही आए जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी 2,000-4,000 रुपए कमा रहे हों, आपसे कभी मिले ना हो? जी हाँ, बहुत ऐसे लोग भी जी, मतलब बाई फेस मुलाकात नहीं है हमारी, अभी तक मुलाकात नहीं है, फिर भी क्योंकि ऐसा होता है शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड बहुत कुछ होता है जी, इंटरनेट पर लोग बहुत कुछ झूठ बोलते हैं और लोगों का पैसा ठग लेते हैं, तो ऐसा कई लोगों ने इस तरह का डाउट किया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा देखिए आपके लिए चांस है,
और आप एक बार बिलीव कर सकते हैं, आप 800 रुपए से जुआ खेल सकते हैं जी। और आपने अगर पैसा डाला और जब इसके बाद मैंने उनका पूरी तरह से काम करके डाला तो पूरी तरह से वो सर्टिफाइड हो गए जी। और फिर आगे कर काम किया और आज बहुत अच्छा आदमी कर रहे हैं जी। तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये जानकारी थी जो थी, मुझे लगता है वीडियो 15-20 मिनट का काफी हो गया होगा। अब तो चूंकि ज्यादा समय का होता है तो लोग देख नहीं पाते, दिमाग में चढ़ नहीं पाता है। तो बिजनेस प्लान क्या है, कैसे है, कैसे करेंगे आप? और तो बस ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आता है तो ये बोर्ड पे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बगल पे मैं रहूँगा तो जो चीज़ समझ में ना आएगी थोड़ा थोड़ा पूछता रहूँगा आपके इंटरेस्ट के लिए, समझने के लिए। तो अगले वीडियो में उसकी जानकारी लेते हैं। ये भाग एक है और अगला वीडियो जब आप देखेंगे तो भाग दो देखेंगे, उसके बाद आप इनसे संपर्क करेंगे, जानकारी लेंगे, काम करना हो तो कर सकते हैं। वो अपना खेती तो आपकी है, कहाँ जाती है। तो चलिए लोगों से एक बार फिर विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जी। ठीक है, नमस्कार।